हेलो स्टूडेंट, हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.6 से पहले कुछ हम लोगों को प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ की हम लोग वेरिफिकेशन भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। सपोज इफ ए एंड बी बी फाइनाइट सेट्स, राइट, एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट्स होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ए यूनियन बी में, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे भी समझ लो कि सपोज ए इक्वल टू 1, 2, 3 एक सेट्स है, बी इक्वल टू 4, 5 है, राइट, ठीक है। तो अब देखो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं निकल सकता। मतलब क्या, दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट मतलब क्या, नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन द सेट्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ए यूनियन बी, अगर यहाँ पर ए यूनियन बी हम लोग निकालें तो 1, 2, 3, 4, 5 यही तो होगा ना। अब नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब कितने एलिमेंट्स है टोटल इसमें, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि जब भी आपको ए और बी फाइनाइट सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो और इंटरसेक्शन ना हो तो डायरेक्ट नंबर ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी को काउंट कर देना है, सम कर देना है, ठीक है। दूसरा, इफ दूसरा सपोज क्या हो कि अगर ये इफ ए यूनियन बी सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, एक एम्प्टी सेट नहीं आता है, तब के लिए क्या करना है, ध्यान देना। तब होता क्या है, ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सर ये क्या लिख दिया आपने, चलो इसको समझ लेते हैं वेन डायग्राम से, ठीक है। सपोज एक वेन डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ये एक यूनिवर्सल सेट हुआ, सपोज ये हुआ ए और ये हुआ बी, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो ये रीजन होगा, इस रीजन को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको सिर्फ मतलब ए का एलिमेंट होगा इसमें, बी का तो नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ए माइनस बी, ठीक है। उसी तरीके से अगर सिर्फ इसकी बात करें हम लोग, सिर्फ इसकी, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ बी का एलिमेंट होगा, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बी माइनस ए कह सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो दोनों में कॉमन है, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो देखो इस केस में जब हम लोग को निकालना होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, यूनियन का मतलब क्या, मिक्स करके लिख देना। मान लो कि ये नंबर ऑफ ए को हम लोग पी कहते हैं, ठीक है, या फिर सिंपली समझ लो एक्स कहते हैं, नंबर ऑफ बी को डिनोट कर ले हम लोग वाई से, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसको डिनोट कर ले हम लोग जेड से, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है क्या, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी, ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, एक तो हो गया ना नंबर ऑफ ए को हम लोग क्या रख रहे हैं, एक्स, तो ये हो गया एक्स। अब नंबर ऑफ ए में क्या होना चाहिए, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है, तभी तो सिर्फ कहेंगे कि ये ए का पार्ट है। तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो ये हो गया माइनस जेड, ए इंटरसेक्शन बी को हमने जेड कंसिडर किया हुआ है, प्लस ध्यान दो। अब इसके बाद दोनों में जो इंटरसेक्शन होगा उसका भी एक एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है, रिपीटेशन तो नहीं होता है लेकिन रहता है एलिमेंट जरूर, तो उसके लिए हम लोग फिर ए इंटरसेक्शन बी को भी रख लिए, ठीक है, प्लस। अब देखो ये जो बी है, मतलब सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा इसका हिस्से में से फिर इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, बी का एलिमेंट, नंबर ऑफ बी को हम लोग वाई से डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा,
इसमें से फिर माइनस जेड कर देंगे, तो ये कितना हो गया एक्स माइनस जेड प्लस जेड प्लस वाई माइनस जेड। क्या क्या कैंसिल, ये कैंसिल आया क्या एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब देखो एक्स को हमने क्या रखा है नंबर ऑफ ए, प्लस वाई को हमने रखा नंबर ऑफ बी, और जेड क्या है माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है। फिलहाल आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये एक रिलेशन है जिससे हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो यूज होगा, ठीक है। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है वो ये है, अगर इफ़ ए एंड ए बी एंड सी आर थ्री फाइनाइट सेट्स, ठीक है, तो तीनों का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए एंड फाइनली प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो चलो इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। वेरीफाई नहीं समझ में आ रहा हो तो कम से कम फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलो एल एच एस की तरफ हम लोग का क्या है, वी हैव नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, पढ़ चुके हैं। अब ध्यान देना, इसको समझ लो पूरा का पूरा, ये ए है और ये बी, ठीक है। तो पहले वाला फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी वो क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस पर ध्यान देना, ठीक है। ये दोनों को हम लोग ए समझ रहे हैं, तो ये क्या होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ बी क्या है सी माइनस नंबर ऑफ, ये क्या हुआ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। चलो फिर से, ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी हम लोगों को पता है क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पता है, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ सी यहाँ तक के लिए। अब देखो ये वाला टर्म कैसे इसको तोड़ना है, ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अब नंबर ऑफ ध्यान देना, इसको क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इसको इसके साथ, ठीक है। फिर क्या बीच में यूनियन क्या होगा ए इंटरसेक्शन, फिर उसके यूनियन, देखो ए इंटरसेक्शन किसके साथ सी हुआ, फिर बी इंटरसेक्शन सी होगा, ठीक है। तो क्या होगा बी इंटरसेक्शन सी, अब तोड़ो, यहाँ तो खो गया हमारा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ सी। अब ध्यान दो, ये फिर से क्या हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक इसको समझ लो ए और इसको समझ लो बी, क्लियर। तो फिर क्या हो गया, ये बीच में माइनस है, नंबर ऑफ होगा ये ए इंटरसेक्शन सी, फिर प्लस नंबर ऑफ बी यानी कि बी इंटरसेक्शन सी, फिर क्या होता है माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, फिर क्या नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी यानी कि क्या नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। ये इस तरीके से अरेंज किए करेंगे तो ये हो गया नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन सी, इसको तोड़ दो, माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और ये माइनस है तो क्या होगा प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, सबको एक साथ, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब देखो सबको अरेंज कर लो एक जगह,
तो हमारा हो गया ये क्या, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू आ रहा है, डेट इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी लास्ट में प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये एक रिलेशन, इसको ध्यान देना है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी होता है वो होता है क्या, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सॉरी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये दोनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो इसी पर बेस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में।